हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, फिर से स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो है वो 21.6 का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका बहनों को पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने में जो समस्या आ रही है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं और आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों को भी इस प्रकार से लॉगिन करने में समस्या आ रही है तो इस समस्या को आप लोग कैसे ठीक कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जो है अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो एम पिन है उसको डाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो कॉमन समस्या है, जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो आंगनबाड़ी सेविका बहनों के साथ क्या हो रही है। कि जैसे ही वो अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर एम पिन डाल के लॉगिन कर रही हैं, तो लॉगिन करते टाइम जो है आप लोगों को इस प्रकार से जो मैसेज है वो देखने को मिल रहा है, इनवैलिड लॉगिन पिन, प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड पिन टू प्रोसेस योर लॉगिन। ये जो समस्या है वो बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनों के साथ हो रही है, जैसे कि वो पोषण ट्रैकर ऐप का 21.6 का लेटेस्ट वर्जन जो है उसको अपडेट कर चुकी हैं और अपडेट करने के बाद जैसे कि अपना यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एम पिन डाल रही हैं तो यहाँ पे उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन कैसे होगा और ये समस्या किस प्रकार से आ रही है, कैसे इस समस्या को ठीक करेंगे, आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप में अगर आप लोगों को भी इस प्रकार से समस्या आ रही है तो पहले इसको समझना होगा कि यह समस्या क्यों आ रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो है 21.5 का न्यू अपडेट दिया गया था, जिसमें कि बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो पोषण ट्रैकर ऐप में अपना जो पिन है उसको चेंज कर चुकी हैं। जैसे कि उसमें आप लोगों को बोला गया था कि पोषण ट्रैकर ऐप में जब आप लोगों को लॉगिन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपना जो एम पिन है उसको चेंज करना होगा, तभी आप 21.5 के अपडेट में लॉगिन कर पाएंगे। तो जिन्होंने 21.5 के अपडेट में अपना जो एम पिन है उसको चेंज कर लिया है और अब आप लोग यहाँ पे 21.6 के अपडेट में वही एम पिन जो है आप लोग यहाँ पे डाल के लॉगिन करेंगे, तब आप लोगों को ये समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो लेटेस्ट वर्जन 21.6 जो दिया गया है, ये आपका समझिए तो 21.4 का ही लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, ये ऐप जो है वो पुराना वाला ही वर्जन में आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करके 21.6 का अपडेट दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये समस्या जो हो रही है वो न्यू पिन दर्ज करने से हो रही है। जैसे कि 21.5 में जो न्यू पिन आप लोगों ने बनाया हुआ है उसी पिन को अगर आप लोग यहाँ पे दर्ज कर रही होंगी तभी ये जो समस्या है आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इस समस्या का समाधान क्या है कि जो आप लोग 21.4 के अपडेट में अपना जो एम पिन डाल रही थी, जो पुराना वाला एम पिन पर आप लोग काम कर रही थी, वही एम पिन आप लोगों को यहाँ पर डालना है। सिंपल सी बात है, ये 21.4 का ही वर्जन समझ लीजिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग वहाँ पे पहले लॉगिन कर रही थी 21.5 अपडेट के पहले, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो है अपना एम पिन डाल लेना है जो पुराना वाला एम पिन है। नया एम पिन डालेंगी तो आप लोगों का यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा और इस प्रकार की समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने जो एम पिन बनाया हुआ है वो एम पिन भूल चुके हैं, जैसे कि न्यू एम पिन भी जो लोग बनाए हैं और पुराना एम पिन जो है उनको याद नहीं है कि कौन सा एम पिन हम लोग बनाए थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे फॉरगेट एम पिन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। ध्यान से आप लोग समझिएगा तभी इस प्रॉब्लम से आप लोगों को छुटकारा मिल सकती है, नहीं तो आप लोग बार बार कहेंगे कि हमने तो जो न्यू पिन बनाया है वही डाल रहे हैं और हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आपको पुराना वाला पिन याद है 21.4 के अपडेट में जब आप लोग काम कर रहे थे तो उस पिन से आप लोग यहां पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर वो पिन आप लोगों को याद नहीं है तो आपको क्या करना है कि फिर से एक न्यू पिन आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, अब न्यू पिन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पे रजिस्टर मोबाइल नंबर यहां पे डालना होगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के यहां पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो 8 बॉक्स खुलेंगे, उस 8 बॉक्स में आप लोगों को नया पिन बना लेना है। ठीक है, जो आप लोग ऊपर में पिन डालेंगे वही आप लोग नीचे में भी पिन डालेंगे। कंफर्म पिन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो नया पिन होगा वो फिर से यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन करने जाएंगे तो आपका इजीली जो है यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है,
तो बस आप लोगों को यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। आप लोगों को ये काम खुद से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आसानी से जो है पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अब लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसको डाल लिया है। यहाँ पे जो मेरा पुराना वाला पिन है वही हमने यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे पुराने वाले पिन को डालने के बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इजीली जो है वो पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन हो जाएगा। तो कोई भी आप लोगों को अब समस्या नहीं आएगी। तो अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि पोषण ट्रैकर ऐप 21.6 में अगर आप लोगों को लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कैसे लॉगिन करेंगे। सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे एकदम क्लियर तरीके से जो है वो बता दिया है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।